किसान आंदोलन पर आज भी संसद में हंगामा मुमकिन, विपक्ष चाहता है चर्चा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव, पहले किसानों पर चर्चा की मांग। हरियाणा के जींद में होगी किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत, राकेश टिकैत करेंगे शिरकत। हम बंद हो जाएंगे, हटना जाइयो, मर जाएगा जनता। रोटी तिजोरी में जाने वाली है, उसको बचा लो, मर जाएगी जनता। मंडी हाउस में किसानों के समर्थन में निकलेगा सज्जन मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सीएम केजरीवाल से मिले, दिल्ली की जेलों में बंद आंदोलनकारियों के लिए मांगी मानवीय सुविधाएं। 6 फरवरी को किसानों ने किया है चक्का जाम का ऐलान, 3 घंटे तक रोकेंगे हाईवे। लोकसभा में केंद्र सरकार ने किया साफ, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को नहीं देगी मुआवजा। दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा पर राजस्थान के सीएम गहलोत को एतराज, बोले ये लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं। पंजाब के बठिंडा में पंचायत ने घर घर जाकर छेड़ी मुहिम, हर घर से एक आंदोलनकारी को दिल्ली भेजने का प्लान। तीनों बॉर्डर पर कटीले तार और नुकीले बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस कमिश्नर ने दी सफाई, कहा सुरक्षा घेरा मजबूत करना है मकसद। हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया, सिर्फ मजबूत किया ताकि बारंबार उसको तोड़ा न जाए। टेकरी बॉर्डर पर किसानों का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए लोहे के नुकीले रॉड, सीमेंट से सड़क पर जाम की गई कीलें। सिंगू बॉर्डर पर उपद्रवियों का रास्ता रोके जाने की जोरदार तैयारी, 2 किलोमीटर तक क्रेन से सड़क पर रखे जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कटीले तारों के साथ कांटेदार बाड़ों से रोका जाएगा उपद्रवियों का रास्ता। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, 5 परिवर्तन रथ राय यात्राओं का ऐलान। राज्य के चुनाव कोर कमेटी ने की बैठक, परिवर्तन रथ यात्राओं का ऐलान। परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है प्रदेश में 5 और 6 तारीख को नड्डा जी एक यात्रा का उद्घाटन करेंगे, 11 तारीख को गृह मंत्री जी कुछ बिहार से बताएंगे। हल्दिया में पीएम की 7 को रैली, पार्टी का करेंगे प्रचार। परिवर्तन रथ यात्रा में शिरकत करेंगे अमित शाह, एक हिस्से को 11 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र में सीनियर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा बयान, बोले शिवसेना दुश्मन नहीं। दिल्ली में जल बोर्ड में धांधली का आरोप, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने निकाली पदयात्रा। जालौर में नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को निर्दलियों का मिला साथ, बन सकता है कांग्रेस का बोर्ड। नेपाल में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की वजह से हो रही है तस्करी, सीमा इलाकों में ये अवैध धंधा जोरों पर। श्रावस्ती में पीएम आवास सूची से हटा नाम, तो युवक का अजीब विरोध प्रदर्शन, वीडियो कार्यालय के सामने बजाय ढोल नगाड़े।